कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है संजीवान को, जो कि रात को अकेले खड़ी रहती है। तभी एक सर्वेंट चलाती है कि मिस्टर लू पानी में गिर गए हैं। ये बात सुन के संजीवान वहाँ पे भागते हुए आती है और पानी में कूद जाती है और मिस्टर लू की जान बचा लेती है। उसके बाद नेक्स्ट दिखाया जाता है मिस्टर लू सो रहे होते हैं तो उनका असिस्टेंट उन्हें उठाने लगता है। एकदम से मिस्टर लू उठते हैं और कहने लगते हैं, तो मेरे रूम में ऐसे कैसे आ गए? यहाँ पे वो अपने कपड़ों को ठीक करने लगते हैं। जैसे ही वो बोलते हैं तो वो एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ बिल्कुल चेंज लगती है उन्हें। असिस्टेंट कहता है, बॉस मैं तो सिर्फ आपको उठाने आया था। यहाँ पे वो जाने लगता है तो मिस्टर लू उससे कहते हैं, मुझे एक मिरर ला के दो अभी के अभी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है संजीवान को, वो भी आराम से सो रही होती है तो एक सर्वेंट आकर उस पर पानी डाल देती है और उसे उठाती है। कहने लगती है, महारानी टाइम क्या हो रहा है, कब तक सोने वाली हो? उठ के तुम्हें कुकिंग भी करनी है मैडम के लिए, जल्दी उठ जाओ। संजीवान उससे कहने लगती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे उठा रही हो, क्या तुम में मैनर्स नहीं है? यहाँ पे वो सर्वेंट उस पर हाथ उठाने की कोशिश करने लगती है गुस्से में, लेकिन संजीवान उसके हाथ को ही मोड़ देती है और जो साइड में मिरर पड़ा होता है उसे उठा के देखने लगती है क्योंकि उसकी वॉइस भी उसे चेंज लगती है। यहाँ पे देखती है संजीवान अपने फेस को तो शॉक हो जाती है। ऐसे ही दूसरी तरफ मिस्टर लू अपने फेस को देखते हैं तो वो भी शॉक हो जाते हैं। असल में उन दोनों की सोल एक्सचेंज हो गई थी। संजीवान याद करती है कि कल रात जब उसने मिस्टर लू को बचाया था तो दोनों के बीच में किस हो गया था, शायद इस वजह से उन दोनों की सोल एक्सचेंज हो गई है। अब संजीवान के अंदर मिस्टर लू की सोल आ गई है और मिस्टर लू के अंदर संजीवान की सोल। यहाँ पे वो मिरर में हैरानी से अपने आप को देख रही होती है तो सर्वेंट सोचती है कि आज ये अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अंदर मिस्टर लू घुस गए हैं। लेकिन सर्वेंट इस चीज़ को इग्नोर करती है और उसे जल्दी से रेडी होने के लिए कहती है। संजीवान कहने लगती है, पहले जाकर तुम मिस्टर लू को बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है अभी के अभी। तो वो सर्वेंट कहती है, क्या तुम भूल गई हो कि मिस्टर लू ने तुम्हारा फेस देखने से भी मना किया है? तो यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर लू काफ़ी बुरी तरीके से संजीवान को ट्रीट करते हैं और कहते हैं, आगे से मेरे फेस के सामने मत आना वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे याद करके ये सब कुछ वो अपने आप से ही बात करने लगती है कि ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैंने खुद संजीवान को अपने से दूर रहने के लिए कहा था। उसके बाद वो सर्वेंट कहने लगती है, महारानी की तरह यहाँ बैठी मत रहो, कब से मिस्टर लू की मॉम तुम्हारा वेट करी है, जल्दी से उठ जाओ और रेडी हो जाओ। उसके बाद देखते हैं वो कपड़े चेंज करने जाते हैं तो वहाँ पे उससे एक ही ड्रेस नजर आती है और साथ में वो लड़कियों के ब्रा को देखकर भी अजीब तरीके से रिएक्ट करती है क्योंकि उसके अंदर तो मिस्टर लू है। आगे दिखाया जाता है ब्रेकफास्ट टेबल पे, जहाँ पे वो सर्वेंट लू की मॉम को बता देती है कि उसने तो मेरा हाथ तोड़ने की कोशिश की थी और बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ बिहेव किया। ये बात सुन के मिस्टर लू की मॉम को गुस्सा आने लगता है। थोड़ी देर में वहाँ पे संजीवान पहुँच जाती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है तो यहाँ पे उस पर चिल्लाने लगती है मिस्टर लू की मॉम और कहती है कि तुमने कैसे कपड़े पहने हैं और किस तरीके से बिहेव करी हो। यहाँ पे वो उन्हें मॉम कहती है तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। संजीवान यहाँ पे कन्फ्यूज होती है, ओ माय गॉड, अब मैं संजीवान हूँ ना कि लू। यहाँ पे वो सर्वेंट भी उसके साथ बुरा बिहेव करने की कोशिश करती है, कहती है कि मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ, तुम्हारा आज बिहेव अच्छा नहीं है और ना ही तुम टाइम से उठी हो। लेकिन यहाँ पे संजीवान तो मिस्टर लू होते हैं तो वो उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं मुझसे दूर रहो। ये सारा बिहेव देखकर मिस्टर लू की मॉम को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है उसके ऊपर। तभी वहाँ पे वी आ जाती है और कहने लगती है मिस्टर लू की मॉम से कि मैं आपके लिए सूप बना के लाई हूँ। वो उन्हें सूप देने लगती है तो यहाँ पे मिस्टर लू की मॉम कहती है, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था, कल रात तुमने लू की जान बचाई थी, वो पानी में गिर गया था, तुमने ही उसे बचाया था ना? वी कहने लगती है, हाँ मैंने ही बचाया था। वहाँ पे जो संजीवान खड़ी रहती है यानी कि उसके अंदर जो लू है वो कहते हैं, इसने मुझे कहाँ बचाया था, ये तो बेकार में संजीवान का क्रेडिट ले रही है। यहाँ पे मिस्टर लू की मॉम उस सूप को पीने लगती है तो वो कहने लगते हैं कि मेरी मॉम ये सूप नहीं पिएगी क्योंकि ये चिकन सूप है और ये तो वेजिटेरियन है, बट उसकी मॉम तो उस सूप को पी लेती है। ये देखकर यहाँ पे वो खुद ही हैरान होते हैं और अपनी मॉम से कहने लगते हैं, आपने कब से ये सब कुछ खाना शुरू कर दिया? मिस्टर लू की मॉम उसे संजीवान समझ के डांटने लगती है और कहती है सर्वेंट से, इसे स्टोर रूम में बंद कर दो, आज ये बहुत बेकार बिहेव कर रही है। जिसके बाद वो लोग उसे वहाँ से खींच के ले जाने लगते हैं। आगे दिखाया जाता है मिस्टर लू को जिसके अंदर संजीवान होती है तो वो मजे से उस सारे टेस्टी फूड को खा रही होती है और अपनी लिमिट से आज कुछ ज़्यादा ही खा रही होती है। तो ये देखकर असिस्टेंट सोचने लगता है, इतना फूड तो तब खाया जाता है ना जब कोई प्रेग्नेंट होता है, क्या मेरे बॉस प्रेग्नेंट है जो इतना ज़्यादा खा रहे हैं? बट वो सोचने लगता है बॉस कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तभी वहाँ पे वी आ जाती है और कहने लगती है, मैं आपके लिए सूप बना के लाई हूँ, कल आप पानी में गिर गए थे ना, ये पीने से आपको कोल्ड नहीं होगा। यहाँ पे उसके अंदर तो संजीवान होती है इसलिए वो उसके सूप की बुराई करती है और कहती है, इसे तो डॉग भी नहीं खाएंगे और ये तो मुझे खिलाना चाहती हो। तभी यहाँ पे वी के साथ जो सर्वेंट होती है वो कहने लगती है मिस्टर लू से कि आप मैडम के साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हैं, इन्होंने तो कल आपकी जान बचाई थी, इन्हें फीवर था फिर भी आज इन्होंने उठ के आपके लिए सूप बनाया। तो वी उसे कहती है, तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम चुप हो जाओ।
यहाँ पे जो मिस्टर लू होते हैं वो एकदम से उठ जाते हैं। उनके अंदर जो संजीवान होती है वो सोचने लगती है, अच्छा तो ये मेरा सारा क्रेडिट खुद ले रही है। वो यहाँ पे उसके पास आके कहने लगते हैं, अच्छा तो कल रात तुमने मेरी जान बचाई थी भी। वो यहाँ पे हाँ में जवाब देती है। तो मिस्टर लू कहते हैं, असल में ना कल रात के बारे में मैं सब कुछ भूल गया हूँ, तुम मुझे बताओगी कि तुमने मेरी कैसे जान बचाई थी? इस चीज़ का मुझे डेमो दे दो। वो उसे खींच कर ले आते हैं पूल साइड पे और धक्का देकर पानी में डाल देते हैं और कहते हैं, जरा मुझे बताओ कि कल तुमने मुझे कैसे बचाया था। वो यहाँ पे चिल्लाने लगती है, प्लीज़ मुझे बचाइए नहीं तो मैं डूब जाऊंगी। ये देखकर वो कहने लगते हैं कि तुमने तो कल मुझे बचाया था पानी से, तो तुम खुद कैसे डूब सकती हो? अब सच बताओ कि कल मेरी जान किसने बचाई थी? यहाँ पे वो चिल्लाकर कह देते हैं कि आपकी वाइफ ने बचाई थी। यहाँ पे असिस्टेंट से कहकर वो उसे पानी से बाहर निकलवा लेते हैं। यहाँ पे जो होती है अभी वो उनसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगने लगती है। तो मिस्टर लू उसे कहते हैं, आगे से ऐसा कुछ मत करना वरना तुम्हें उठा के घर से बाहर फेंकवा दूंगा। और उसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। उसके बाद देखते हैं वी को, जो कि अपने सर्वेंट पे गुस्सा करते हैं कि मेरा सारा प्लान उल्टा कैसे पड़ गया, मिस्टर लू को कैसे डाउट हो गया कि उनकी जान मैंने नहीं बचाई थी। यहाँ पे वो सर्वेंट कहती है, शायद संजीवान ने किसी सर्वेंट से कहकर ये बात उन तक पहुँचा दी है कि कल उन्होंने उसकी जान बचाई थी। बट मैडम मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि लू की मॉम ने संजीवान को एक रूम में बंद करवा दिया है, तो वहाँ पे जाके हम उसे तंग कर सकते हैं। उसके बाद वी यहाँ पे हंसने लगती है। दिखाया जाता है मिस्टर लू को, जो कि संजीवान की बॉडी में है, तो उन्हें एक स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे वो बैठ के सोच रहे होते हैं कि मुझे किसी कीमत पे उससे मिलना होगा, तभी हमारी बॉडी फिर से एक्सचेंज हो पाएगी। लेकिन तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाती है, जो कि कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फूड लाई हूँ, ये लो फूड खा लो। लेकिन तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें तो मैडम ने कहा था ना कि पूरे टाइम नीज पे बैठना होगा। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती है, तो यहाँ पे वो सर्वेंट उसे काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करने लगती है, उनके बालों को खींचने लगती है और फोर्सफुली उन्हें वो बेकार वाले राइस खिलाने लगती है। संजीवान कहते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगी, ये सड़े हुए हैं। यहाँ पे वो उन्हें फ्लोर पे गिरा देती है और जबरदस्ती अपने हाथों से खिलाती है। काफी घटिया तरीके से उन्हें ट्रीट करने के बाद वो वहां से चली जाती है। ये सब कुछ होने के बाद वो सोचने लगते हैं, क्या सभी लोग संजीवान को ऐसे ट्रीट करते हैं मेरे पेट पीछे? उसके बाद उन्हें सोते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो ड्रीम देखते हैं कि उन्होंने संजीवान को किस तरीके से हर्ट किया था। वो यहाँ पे संजीवान को ब्लेम करते हैं कि तुमने जानबूझ के हमारे बेबी का अबॉर्शन करवा दिया है ना। बट संजीवान कहते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वी ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया था जिसके बाद ये सब कुछ हुआ है। अगर मुझे एविडेंस मिल गए ना तो मैं वी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन यहाँ पे मिस्टर लू की बात पे उस समय भरोसा नहीं करते हैं और उसे काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है, जो कि उसे उठाने लगता है। वो होता है मिस्टर लू का लिटिल ब्रदर। कहता है कि सिस्टर इन लो, मैं आपके लिए कुछ फूड लेकर आया हूँ। यहाँ पे ये देखकर वो खुश हो जाते हैं और उस फूड को खाने लगते हैं और उस पानी को भी पीते हैं। लेकिन उसे पीने के बाद ही उन्हें मदहोशी सी छाने लगती है, क्योंकि उनके लिटिल ब्रदर ने उसमें कुछ मिलाया होता है। असल में तो वो एक नंबर का कमीना और घटिया पर्सन होता है, जो कि यहाँ पे उनका एडवांटेज उठाने की सोचने लगता है। वो उन्हें अपनी सिस्टर इन लो सोच कर उनके साथ मिसबिहेव करता है और कहता है, मेरे ब्रदर कहाँ आपको खुश कर पाते हैं, 4 साल से तो उन्होंने आपको हाथ भी नहीं लगाया है, चलो मैं आपको खुश कर देता हूँ। लेकिन बार बार वो उसे रोक रही होती है ये कहकर कि तुम्हारे ब्रदर को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे वो घटिया पर्सन उसकी बात नहीं सुनता है और उसके पीछे ही पड़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर लू की पूरी फैमिली पहुँच जाती है। यहाँ पे उस पर्सन की जो वाइफ होती है वो संजीवान को मारने लगती है ये कहकर कि तुम मेरे हस्बैंड पे डोरे डालने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पे उसका हस्बैंड भी इनोसेंट बन जाता है और कहता है, सिस्टर इन लॉ की मैं मदद करने आया था, बट इन्होंने तो मुझे ही पकड़ लिया, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे मिस्टर लू की मॉम कहने लगती है लू से कि तुम इसे अभी के अभी डिवोर्स दे दो, ये लड़की बिल्कुल भी हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। संजीवान कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, इसी ने मुझे कुछ खिला पिला दिया है जिस वजह से मेरी ये कंडीशन हो गई है। मिस्टर लू सभी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और उसके बाद अपना कोट निकाल के उसे पहना देते हैं। यहाँ पे जो संजीवान है उसके अंदर तो मिस्टर लू होता है, तो वो उसे कहने लगता है कि तुम जानते हो ना मैंने कुछ नहीं किया है, अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। मिस्टर लू की बॉडी में जो संजीवान होती है वो उनसे कहने लगती है, मैं जानती हूँ कि आपने कुछ नहीं किया है, उसी ने आपके साथ ज़बरदस्ती की होगी, क्योंकि ये मेरी बॉडी के साथ एक बार नहीं कई बार हो चुका है। ये बात सुन के वो उसे कहने लगते हैं, फिर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? वो कहने लगते हैं, मैंने आपको कई बार बताया लेकिन आपने कभी भरोसा नहीं किया। उसके बाद वो दोनों बैठ के बात करने लगते हैं कि किस तरीके से हमें फिर से अपनी अपनी बॉडी में वापस आना होगा, इस बारे में कुछ सोचना होगा। लेकिन उससे पहले वो कहने लगते हैं कि मुझे जाके मामू को सब कुछ बताना होगा, वो मेरी बात पर ज़रूर भरोसा करेगी। बट मिस्टर लू कहते हैं वो कभी भरोसा नहीं करेगी, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे वो उसे कहने लगते हैं, मैं इन घटिया कपड़ों में नहीं रह सकता हूँ, मेरे लिए जाके कुछ नए कपड़े खरीदो। यहाँ पे उनकी बात को वो समझ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लू को, जिनके अंदर संजीवान होती है, वो यहाँ पे काफ़ी सारी जाकर शॉपिंग करती है, काफ़ी सारी ज्वेलरीज देखती है, खुद ट्राई करने लगती है, काफ़ी सारे कपड़े खरीदती है और खुद ट्राई करके देख रही होती है। ये
ये देखकर असिस्टेंट कहता है बॉस ये लेडीज के कपड़े हैं, तो वो फिर उन कपड़ों को उसे दे देते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ खरीद लो। काफी सारी एक्सपेंसिव चीजें खरीद लेते हैं और फिर मनी मन खुश होते हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब आप किसी और के पैसों पे शॉपिंग करते हैं। उसके बाद घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लू को सर्वेंट ने काफी सारे कपड़े दिए होते हैं संजीवान समझ के, लेकिन वो तो उन्हें धोते ही नहीं है। तभी वहाँ पे सर्वेंट आ जाती है और उनपे गुस्सा करने लगती है, कहती कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो, तुम्हें ये सब कुछ धोना होगा। लेकिन वो तो बिल्कुल मिस्टर लू के एटीट्यूड से उसे जवाब देते हैं कि मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे वो सर्वेंट उसे मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर असिस्टेंट आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकने लगते हैं। जिसके बाद वो असिस्टेंट से कहती है कि लू कहाँ है, मुझसे अभी मिलने आए, उसे कहो। यहाँ पर असिस्टेंट कहने लगता है असल में वो तो नहीं आ पाएंगे, बट उन्होंने आपके लिए काफ़ी सारे कपड़े भिजवाए हैं। यहाँ पे ये बात सुन के वो सोचने लगते हैं कि ये सारे कपड़े उसने रिवेंज लेने के लिए भिजवाए हैं ताकि ये कपड़े वो धोए। ये बात सोचकर ही वो बेहोश हो जाते हैं, तो असिस्टेंट उन्हें संभालने लगता है। उसके बाद देखते हैं रूम में जहाँ पे डॉक्टर उसे चेक करते हैं। जब उसे होश आ जाता है तो यहाँ पे जो खड़ी रहती है संजीवान लू बन के, वो डॉक्टर से कहती है मेरी वाइफ अचानक इतनी वीक कैसे हो गई। यहाँ पे वो कहने लगते हैं डॉक्टर कि असल में ये तरीके से खाती नहीं है, ना ही स्लीप करती है, और सच कहूँ तो इनकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग चुकी है। ये ठंडे वेदर में ज़्यादा रहती है क्या? यहाँ पे समझ में आ जाता है मिस्टर संजीवान को कि बार बार उसे उस स्टोर रूम में बंद किया जाता होगा, इसीलिए इतनी वीक हो गई है रियल संजीवान की बॉडी। यहाँ पे डॉक्टर भी मन में सोचता है कि पहले तो मिस्टर लू ने कभी अपनी वाइफ की इतनी परवाह नहीं की, शायद इनका रिश्ता सुधर रहा है इसीलिए आज ये उनकी इतनी परवाह कर रहे हैं। डॉक्टर्स के वहाँ से जाने के बाद संजीवान की बॉडी में जो मिस्टर लू होते हैं वो कहने लगते हैं मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी बॉडी इतनी वीक हो सकती है, क्या तुम टाइम से नहीं खाती थी? तो सामने से मिस्टर लू जो होते हैं जिनकी बॉडी में संजीवान होती है वो कहने लगती है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मुझे कैसा खाना मिलता है, 4 साल से मैं यही सब कुछ तुम्हारी फैमिली में टॉलरेट कर रही हूँ। ये बात सुन के वो उसे कहने लगते हैं शायद सर्वेंट तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, अब तुम फिलहाल मेरी बॉडी में हो ना, तो इसका फ़ायदा उठाकर तुम उन सारे सर्वेंट को यहाँ से निकाल सकती हो। यहाँ पे ये बात सुनने के बाद यहाँ पे जो मिस्टर लू होते हैं जिनके अंदर संजीवान है वो मनी मन सोचती है मैं अब तुम्हें क्या बताऊँ कि तुम्हारी पूरी फैमिली ही मुझे पूरी तरीके से ट्रीट करती थी। तभी वो वहाँ पे असिस्टेंट को आवाज देती है और कहती है सारे सर्वेंट्स को एक जगह इकट्ठा करवा दिया जाए। उसके बाद देखते हैं जहाँ पे सबके सामने लू बन के वो कहने लगती है कि मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, तुम लोगों को क्या लगता है कि कुछ समय मैंने अपनी वाइफ पे ध्यान नहीं दिया है तो मुझे कुछ नहीं पता है। यहाँ पे वो सारे सर्वेंट्स की क्लास लगाने लगते हैं, पहले उस सर्वेंट को पकड़ते हैं जिसने सबसे ज़्यादा बुरी हालत की होती है उनकी वाइफ की, तो वो सर्वेंट माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ मैंने आपकी मॉम के कहने पर किया था, लेकिन उसकी मॉम तो तुरंत मना कर देती है। यहाँ पर मिस्टर लू की मॉम सारा ब्लेम उस सर्वेंट पे ही डाल देती है, जिसके बाद मिस्टर लू गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें जॉब से निकाला जाता है, वो उसे निकलवा देते हैं और बाकी जितने सर्वेंट होते हैं उनकी भी अच्छी खासी क्लास लगाते हैं और उस सारे स्टाफ को ही वहाँ से निकाल देते हैं। बच्चे कुछ ही सर्वेंट से वो कहने लगते हैं अगर आज के बाद किसी ने मेरी वाइफ को तंग किया तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर वी को अजीब लग रहा होता है। उसके बाद स्टडी रूम में देखते हैं उन्हें, यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट से पूछने लगते हैं संजी की फैमिली के बारे में। उन्हें पता चल जाए कि संजी फैमिली कई सालों से जेल में है और अगले महीने जेल से बाहर आ सकती है। ये बात सुन के वो थोड़े यहाँ पे सैड से होने लगते हैं। उसके बाद देखते हैं वहाँ पे भी आ जाती है और उन्हें मिस्टर लू समझ के चिपकने लगती है, लेकिन वो तो संजीवान होती है इसलिए उसे दूर होती है। वी यहाँ पे कहने लगती है कि मुझे अपना चेकअप करवाने जाना है हॉस्पिटल, प्लीज़ आप मेरे साथ चले ना, तो वो बहाना बना देते हैं कि मुझे अपनी वाइफ को लेके जाना है, मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन वी उनके पीछे पड़ जाती है ये कहकर कि आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरा अच्छे से ध्यान रखेंगे, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगा ना तो उसके बाद मैं जॉब ढूंढने लगूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊँगी, कुछ समय की तो बात है मिस्टर लू। यहाँ पे वो उसे कहने लगती है अगर ऐसी बात है ना तो एक काम करो तुम हमारे नर्सिंग वाले हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पर तुम्हारा अच्छे से ध्यान भी रखा जाएगा। ये बात सुन के तो वी डर जाती है और फिर मना करने लगती है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा ही तो आइडिया है तो तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे संजीवान आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोकने लगती है। वो कहते हैं कि तुम इसे यहाँ से कहीं नहीं भेजोगे, तो उनके सामने वी इनोसेंट बनने लगती है और कहती है प्लीज़ आप मेरी वजह से फाइट मत कीजिए। यहाँ पे जो मिस्टर लू के अंदर संजीवान होती है वो हंसने लगती है मनी मन और कहते हैं ठीक है तुम इसे हैंडल करो, और वहाँ से वो चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वी अपना असली रूप दिखाने लगती है संजीवान समझ के मिस्टर लू को और कहती है क्या तुम उनके सामने अच्छा बने का दिखावा करी थी, कौन कह रहा है कि तुम मेरी मदद करो, मैं खुद अपनी मदद कर सकती हूँ और मैं तुम्हें बता दूँ जल्द ही मिस्टर लू तुम्हें डिवोर्स दे देंगे और वो भी मुझसे मैरिज करेंगे, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा है। बस सुन के यहाँ पे जो होती है संजीवान जिनके अंदर मिस्टर लू होते हैं वो तो कंफ्यूज होने लगती है कि मैंने ऐसी बात कब इससे कह दी। यहाँ पे वो उसके इस रूप को देखते हैं तो काफी शौक से होते हैं।
मिस्टर लू को देखते हैं जिनके अंदर संजीवान होती है। वो कहते कि मैं तो सेलफोन वहीं भूल आई, तो इसलिए वो स्टडी रूम की तरफ वापस आने लगती है। ये नोटिस कर लेती है वी, इसीलिए वो अपने बालों को बिगाड़ती है और खुद फ्लोर पे गिर के चिल्लाने लगती है कि आप मुझे क्यों गिरा रही हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैं आपके हस्बैंड के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तभी वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहने लगते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। कहने लगता है उससे लू कि क्या तुमने इसे गिराया है। वो यहाँ पे वी की मदद करते हैं तो वी भी यही कह देती है कि आप मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे ना चेकअप करवाने के लिए, शायद ये बात जान के आपकी वाइफ जेलस फील करी है और इन्होंने फिर मुझे गुस्से में नीचे गिरा दिया। यहाँ पे उसके सपोर्ट में कहने लगता है लू कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने इसे धक्का क्यों दिया। उसकी ये सारी बातें सुन के सामने जो संजीवान खड़ी होती है उसके अंदर जो मिस्टर लू होते हैं वो कहते हैं कि ये बातें कुछ याद आ रही है, किसी ने पहले भी कही है। तो यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वी ने कहा था मिस्टर लू से कि इन्होंने मुझे धक्का देकर गिरा दिया है, जिस वजह से मेरा बेबी नहीं रहा है, मेरा मिसकैरेज हो गया है। तो मिस्टर लू उसकी बात पे भरोसा करते हैं और उस समय संजीवान को काफ़ी डांटते हैं। यही सब कुछ अब उसे वहाँ पे खड़े होकर याद आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे संजीवान के अंदर जो मिस्टर लू होते हैं वो कहने लगते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरे पास प्रूफ है। वो वहाँ पे असिस्टेंट को बुलाते हैं और उस रूम की फुटेज को दिखाने लगते हैं जिसमें साफ नज़र आता है कि वी खुद गिरी थी। ये देखने के बाद वी खुद कहने लगती है आपने मेरी बात को गलत समझ लिया, मैंने कहा था कि मैं गिर गई थी, मैं आपको थोड़ी ना ब्लेम करी हूँ। वो तुरंत ही अपनी बात चेंज कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर लू होते हैं जिनके अंदर संजीवान होती है वो यहाँ पे ये सब कुछ देखकर कहने लगती है इसका मतलब ये है कि पूरे घर में कैमरास लगे हुए हैं और तुम सब जगह की फुटेज देख सकते हो, लेकिन जब भी वी ने तुमसे मेरे बारे में झूठ कहा तो तुमने कभी भी फुटेज देखने की नहीं सोची, बस आँख बंद कर ऐसे ही वी की बातों पर हमेशा भरोसा कर लिया। इस बात को सोचकर वो यहाँ पे थोड़ा दुखी हो जाती है। मिस्टर लू के अंदर जो संजीवान होती है वो फिर वी से कहने लगती है तुम मेरी बात मानो और नर्सिंग होम जाकर ही रहने लगो, बट वी मना कर देती है और कहती है नेक्स्ट वीक तो आपकी मॉम का बर्थडे है, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे रहने दे। इसीलिए फिर वो भी उससे कुछ नहीं कहते हैं। आगे दिखाया जाता है बर्थडे वाला दिन जहाँ पे कुछ लोग आए हुए होते हैं। मिस्टर लू की बिग सिस्टर भी आती है अपने बेटे को लेकर, तो सभी लोग उनकी भी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो आज भी काफ़ी यंग है। तभी यहाँ पे कहने लगते हैं कुछ लोग मिस्टर लू का तो अपनी वाइफ से रिलेशन अच्छा है ही नहीं, शायद वो उन्हें जल्दी डिवोर्स दे देंगे और वी से मैरिज कर लेंगे क्योंकि वी उनके लिए परफेक्ट है। लेकिन मिस्टर लू के लिटिल ब्रदर की जो वाइफ होती है वो तुरंत कहने लगती है किसने कहा है कि उनका अपनी वाइफ के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, आजकल तो वो अपनी वाइफ को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनके चक्कर में उन्होंने घर के सारे सर्वेंट्स को भी निकाल दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस वी से कभी मैरिज करेंगे। ये बात सुन के यहाँ पे वी का मुंह बन जाता है। दूर देखते हैं जहाँ पे संजीवान बैठी रहती है जिनके अंदर मिस्टर लू होते हैं, वो कहने लगते हैं क्या इन लेडीज को कोई काम नहीं है, बस ये गॉसिप सी करते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं वी को जो मिस्टर लू की मॉम को पार्टी में लेकर आती है, उन्हें काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट दे रही होती है। यहाँ पे जो बैठ के वो अपना काम कर रहे होते हैं तभी उनकी सिस्टर का बेटा आकर उसे संजीवान समझता है और उसके ऊपर छिलके डालने लगता है, उसे तंग करता है। वो उसे वॉर्न भी करती है कि ऐसा ना करो, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो वो उसे डांट देती है जिससे कि वो बच्चा रोने लगता है। वो उसका मुंह बंद करते हैं, कहते चुप हो जाओ चिल्लाओ मत, तो यहाँ पे वो उनके हाथ पे बाइट कर लेता है और वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है जिस वजह से वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है। यहाँ पे वो आकर उसे एक चाटा मार देती है और कहते कि तुम मेरे बेटे को ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हो, ये एक मासूम सा बच्चा है। यहाँ पे वो कहते भी है कि इसने मुझे परेशान किया है, मेरे ऊपर काफ़ी सारे छिलके डाल दिए थे, मैंने इसे मना किया तो ये फिर मुझे तंग करने लगा। लेकिन कोई भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करा होता है। चिल्लाकर कहने लगती है मिस्टर लू की मॉम भी कि संजीवान आज मेरा बर्थडे है और आज भी तुम ड्रामा कर रही हो, तुम मेरे ग्रैंडसन को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो, इससे माफ़ी मांगो। सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। देखते हैं मिस्टर लू को जिनके अंदर संजीवान होती है वो ही सब कुछ दूर से देख रही होती है। अब वो कहने लगती है असिस्टेंट से कि यहाँ पे सारे में कैमरास लगे हुए हैं ना, असिस्टेंट हाँ में जवाब देता है और कहने लगता है बॉस क्या चल के हम आपकी मैडम की मदद करें, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है मेरे लिए जाकर जूस लेके आओ और कुछ खाने के लिए भी और एक चेयर, बैठ के ये सब कुछ इंजॉय करते हैं। असिस्टेंट तो ये बात सुन के थोड़ा हैरान होता है लेकिन वो सब कुछ ये ले आता है और यहाँ पे वो ये सब कुछ बैठ के इंजॉय भी करने लगते हैं। यहाँ पे वो मनी मन सोचती है कि लू अब तुम संजीवन बन चुके हो तो अब तुम्हें पता तो चले कि तुम्हारी फैमिली कैसे मुझे ट्रीट करती थी। यहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग उसे संजीवन समझ के काफ़ी ज़्यादा तंग करने लगते हैं और कहते हैं नीस पे बैठ के माफ़ी मांगो। वो यहाँ पे नॉर्मल माफ़ी तो मांगने को तैयार हो जाती है पर नीस पे बैठने के लिए मना करती है, लेकिन फिर भी पूरी फैमिली उसके पीछे पड़ जाती है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे जो लू होती है जिसके अंदर संजीवन है वो वहाँ पे आके उसे प्रोटेक्ट करने लगती है और कहती है मेरी वाइफ ने कुछ नहीं किया है इसलिए माफ़ी नहीं मांगेगी, मैंने देखा है कि गलती आपके बेटे की है दी। लेकिन उसकी सिस्टर तो सुनने को तैयार ही नहीं होती है और कहती है कि तुम इस बेकार सी लड़की को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो कह देता है कि मैंने कहा है ना इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने देखा है कि ये कितना नोटी था और क्या क्या हरकतें कर रहा था। ये सब देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि मिस्टर लू किस तरीके से अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
यहाँ पर वो सारे मामले को रफा दफा कर उसे दूसरी तरफ ले आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो। संजय पान के अंदर जो मिस्टर लू होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, इसका मतलब ये है कि तुम पहले ही ये सब कुछ देख रहे थे पर तुमने आकर मेरी मदद नहीं करी। यहाँ पे वो कहने लगते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। संजय पान के अंदर जो मिस्टर लू होते हैं वो कहने लगते हैं, ये अबाड़ कबाड़ खाना बंद करो, इससे मेरी बॉडी बेकार हो जाएगी। यहाँ पे वो उसके करीब थोड़ा सा आ जाते हैं। दूर से ये सब कुछ असिस्टेंट देखता है तो थोड़ा शॉक होता है और फिर सोचता है शायद बॉस अपनी इस वाली वाइफ को पसंद करने लगे हैं क्योंकि इनका एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही हटके है। यहाँ पे वो उन दोनों के लिए खुश होने लगता है। उसके बाद देखते हैं उन्हें बैठ के काम करते हुए। यहाँ पर उनका एक फ्रेंड आ जाता है जो कि असल में संजीवान का फ्रेंड है, इसीलिए वो उसे संजीवान समझ के उसे बात करने लगता है और कहता है, तुम यहाँ का स्टॉक वगैरह में फंस गई हो या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ये काम करने के लिए फोर्स कर रहा है। वो उसके लैपटॉप को बंद कर देता है। संजीवान की बॉडी में जो मिस्टर लू होते हैं वो उनके कपड़ों से तंग होते हैं, इसीलिए वो अपने उन कपड़ों को कुछ ठीक सा करने लगते हैं। ये देखकर उसका फ्रेंड ही थोड़ा उसे अजीब तरीके से देखता है। उसके बाद कहने लगता है कि तुम अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, मुझे पता है कि तुम्हें किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तो यहाँ पे वो पूछने लगते हैं, अच्छा क्या जानते हो तुम मेरे बारे में। यहाँ पे वो बताता है कि तुम्हें पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तुम बिना कहाँ टाइम वेस्ट करी हो और मैं जानता हूँ कि शायद तुम इस मैरिज में खुश नहीं हो। तुम्हें याद है तुम्हारी मैरिज के बाद मैंने तुमसे एक बात कही थी, क्या तुम्हें वो बात याद है। यहाँ पे संजी वान के अंदर जो मिस्टर लू होते हैं वो ये जानने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, कौन सी बात कही थी जरा बताना। लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर लू आने लगते हैं जिनके अंदर संजीव वान होती है। एकदम से वो अपने फ्रेंड को पहचान लेती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है ताकि उससे ढेर सारी बातें कर सके। लेकिन उनका फ्रेंड तो उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता है क्योंकि वो तो उसे मिस्टर लू समझ रहा होता है। यहाँ पे संजीव वान भी रोकने लगती है, कहती है, नहीं पहले मुझे इसकी बात सुने दो, तुम इससे दूर हटो। दोनों एक दूसरे को आंखें दिखाने लगते हैं। यहाँ पे बेचारी वो तो डर जाती है कि अगर इसने अपना मुंह खोला तो पता नहीं क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे वो उसे चुप रहने के लिए कहती है। तो उसका फ्रेंड कहता है, तुम क्या समझते हो अपने आप को लू, अगर तुमने इससे मैरिज कर लिया तो क्या मैं अपनी फ्रेंड से बात नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे फिर वो लू वाला ही कैरेक्टर अपना लेती है और कहती है, हाँ ये मेरी वाइफ है, तुम मेरी वाइफ से ऐसे अकेले में बात नहीं कर सकते हो, चलो हटो इससे दूर। ऐसा वो यहाँ पे कहने लगता है। ये बात सुन के उसका फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद देखते हैं मिस्टर लू की मॉम को सभी लोग गिफ्ट देते हैं। पहले उनकी डॉटर उन्हें गिफ्ट देती है और उसके बाद वी यहाँ पे उन्हें गिफ्ट में एक हेयर पिन देती है, जिसे देखकर मिस्टर लू की मॉम इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में दिया था। मुझे ये देखकर उनकी याद आ गई और वो यहाँ पे वी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पर संजीव वान की बॉडी में जो मिस्टर लू होते हैं वो ये देखकर शॉक होते हैं कि ये यहाँ पे कैसे आ गया वी के पास, इसे तो मैं अपनी मॉम खरीद के लाया था। मिस्टर लू की बॉडी में जो संजीवान होती है वो उनसे पूछने लगती है कि आपको अचानक क्या हो गया इस गिफ्ट को देखकर। तो वो उसे बताते हैं, इसे तो मॉम के लिए मैं खरीद के लाया था, ये वी के पास कैसे आ गया। तो वो उससे कहने लगती है कि आपने इसे कहाँ रखा था। वो कहते हैं कि जब से तुम्हारी और मेरी बॉडी स्विच हुई है उसके बाद मैंने इसे अपने रूम से निकाल के तुम्हारे रूम में रख लिया था। तो यहाँ पे मिस्टर लू की बॉडी में जो संजीवान होती है वो कहने लगती है, मैं समझ गई, इसने फिर इसे आपके रूम से चुरा लिया है। यहाँ पे उन्हें गुस्सा आने लगता है कि इसने ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ पे मिस्टर लू की मॉम को उनके लिटिल बेटे की फैमिली भी गिफ्ट दे देती है। लेकिन सभी लोग फिर पॉइंट आउट करके देखने लगते हैं संजीवान की तरफ कि वो कोई गिफ्ट क्यों नहीं दे रही है। वो लोग यहाँ पे कहने लगते हैं, क्या तुम भूल गई हो कि आज मॉम का बर्थडे था और क्या तुमने उनके लिए कुछ भी गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया है। सारी फैमिली उसके पीछे पड़ जाती है। तभी यहाँ पे मिस्टर लू की बॉडी में जो संजीवान होती है ना वो अपनी मॉम से कहने लगती है कि इसने गिफ्ट प्रिपेयर किया है, मैं बता दे हूँ कि गिफ्ट क्या है। वो यहाँ पे कहने लगता है कि मॉम जल्दी आप ग्रैंडमा बनने वाली है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के तो यहाँ पे सभी शॉक हो जाते हैं। वी को तो गुस्सा आने लगता है कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। उसकी मॉम कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो या फिर कोई झूठ है। यहाँ पे मिस्टर लू की बॉडी में जो संजीवान होती है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहती है कि झूठ कैसे हो सकता है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी वाइफ को रेस्ट करने की ज़रूरत है, इसीलिए वो उसे ज़बरदस्ती रूम में लेकर आ जाते हैं। ये बात संजीवान का फ्रेंड भी सुन लेता है तो उसे भी थोड़ा सैड फील होता है। रूम में आने के बाद संजीवान की बॉडी में जो मिस्टर लू होते हैं वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, तुमने ये क्या बकवास कर दिया है बाहर, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं फेक प्रेगनेंसी का ड्रामा करूँ, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मिस्टर लू की बॉडी में जो संजीवान होती है वो कहती है, ठीक है तो जाइए अपनी फैमिली को सब कुछ सच बता दिए, देखते हैं कि वो आपको कैसे टॉलरेट करते हैं कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पे वो उन्हें इस तरीके से तंग करने लगती है तो वो उसके करीब आ जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे समझ में आ गया कि हमें अपनी बॉडी को कैसे एक्सचेंज करना है। वो उसे ज़बरदस्ती उठाकर ले आते हैं बाथटब में और उसे किस करके पानी में गिर जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों की बॉडी फिर से स्विच हो जाती है। यानी कि चलू की बॉडी में उनकी सोल आ जाती है और संजीवान की बॉडी में उनकी सोल। लेकिन यहाँ पे संजीवान इस बात से खुश नहीं होती है और कहने लगती है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो जो मैंने टॉलरेट किया है आपको भी टॉलरेट करना होगा। वो यहाँ पे मिस्टर लू को फिर से कई बार किस करने लगती है ताकि उनकी बॉडी स्विच हो जाए, बट इस बार ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे वो गुस्से में कहने लगती है कि आपने तो अभी तक कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया, आपको क्या पता 4 साल से आपकी फैमिली में रहकर मैं क्या क्या बर्दाश्त करी हूँ।
मैं आप सब लोगों से रिवेंज लूंगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहकर सेंजी वान रोने लगती है तो मिस्टर लू उससे कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है डॉक्टर सेंजी वान को चेक करने आते हैं। सेंजी वान सोचती है कि जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो डॉक्टर क्या ही कहेगा। यहाँ पर डॉक्टर भी कह देता है कि मैडम प्रेग्नेंट नहीं है मिस्टर लू। बट मिस्टर लू उसे कैड़ी नज़रों से देखते हैं और कहते हैं, क्या कहा आपने, कहीं आप इन्हें चेक करने में गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर उनकी इशारे को समझ जाता है और फिर से चेक करता है और कह देता है, सही कहा मिस्टर लू, ये 3 वीक प्रेग्नेंट है, आप इनका अच्छे से ध्यान रखना। ये बात सुन के संजीवन सोचने लगती है मिस्टर लू किस तरीके से अपनी पावर का फ़ायदा उठा रहे हैं, और देखो डॉक्टर को भी झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर यहाँ पे संजीवन को वीक बताता है और उसे कुछ दवाइयाँ लेने के लिए कहता है, बट संजीवन मना कर देती है। तभी यहाँ पे मिस्टर लू की मॉम आ जाती है और कहती है, चुपचाप दवाई खा लो क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली के ग्रैंडसन को कुछ भी हो जाए। यहाँ पे मिस्टर लू भी संजीवन को दवाई लेने के लिए कहने लगते हैं। संजीवन मना करती है तो वो उसे प्यार से पिलाने लगते हैं। मजबूरी में संजीवन को भी पीना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं मिस्टर लू जब जा रहे होते हैं तो वहाँ पे वी आ जाती है और कहती है, मैं मैडम संजीवन से मिलने आई हूँ, वो प्रेग्नेंट है ना, तो मैं जरा उन्हें देख लूँ। लेकिन लू उसे रोक देता है और कहता है, मैंने तुम्हें नर्सिंग हाउस जाने के लिए कहा था ना, तो तुम अभी तक क्यों नहीं गई हो। ये बात सुन के वो फिर से परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ से कैसे कहीं जा सकती हूँ, मेरे तो आप लोगों के अलावा कोई फैमिली भी नहीं है। उससे कहते हैं गुस्से में, मिस्टर लू मैं जानता हूं कि तुमने जो मॉम को गिफ्ट दिया है ना, उसे तुमने मेरी वाइफ के रूम से चुराया है, तुमने ऐसा क्यों किया। ये बात सुन के वी परेशान हो जाती है और कहती है, आप क्या कह रहे हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। बट जब मिस्टर लू कहते हैं कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है तो वो यहाँ पे अपनी इस गलती के लिए माफी मांगने लगती है। मिस्टर लू उससे कहते हैं, जो करना था तुमने अब कर लिया है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो तुम मुझसे दूर रहना, उसके पास जाने की कोशिश भी मत करना, अगर अगली बार तुमने कोई मिस्टेक की तो शायद अच्छा नहीं होगा, वैसे भी मैं तुम्हें जल्दी नर्सिंग हाउस भिजवाने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वी को गुस्सा आने लगता है कि ये सब कुछ इस संजीवन की वजह से हो रहा है, वो मुझे अपने से दूर करने की बात कह रहे हैं। यहाँ पे वो देख लेती है मिस्टर लू की सिस्टर के बेटे को और उससे कहने लगती है कि तुम ना यहाँ पे ज़्यादा भागना और दौड़ना मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी आंटी प्रेग्नेंट है, अगर वो गिर गई तो फिर उनका बेबी नहीं रहेगा। यहाँ पे गुस्से में वो बच्चा कहने लगता है कि मेरे सिवा इस घर में और कोई बेबी क्यों आने लगा, मैं उस आंटी को पसंद नहीं करता हूँ। ये बात सुन के यहाँ पे खुश हो जाती है वी। उसके बाद देखते हैं सारी फैमिली एक साथ बैठ के डिनर कर रही होती है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से संजीवन अपना फूड इंजॉय कर रही होती है, लेकिन सब उसके खाने के तरीके को लेकर बुराई करने लगते हैं और उसे टॉन्ट भी मारते हैं, लेकिन संजीवन इग्नोर कर देती है और यहाँ पे वी की तरफ करके झूठा वॉमिट करने का नाटक भी करती है। ये देखकर सभी लोग उससे ऐसा करने से मना करते हैं, बट संजीवन कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, जब मुझे तुम लोगों के फेस देखकर वॉमिट आ रही है। तो यहाँ पे वो कुछ ऐसी बातें कहने लगती है जिससे कि सभी को उस पर गुस्सा आने लगता है। यहाँ पे कहने लगता है मिस्टर लू की सिस्टर का बेटा कि मुझे सूप चाहिए। तो संजीवन से मिस्टर लू की मॉम कहती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं आया है, उसे सूप चाहिए, चलो उसे सूप दे दो। संजीवन उसे सूप देने लगती है तो वो बच्चा जानबूझ के उसके हाथ पे ही सूप गिरा देता है। संजीवन गुस्से में उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, बहुत हो गया है तुम्हारा, क्यों बार बार तुम मुझे ऐसे तंग कर रहे हो। यहाँ पे वो बच्चा कहने लगता है कि ये आंटी मुझे हर्ट कर रही है, तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है संजीवन को, कहती है कि तुम मेरे बेटे को ऐसे क्यों हर्ट कर रही हो। संजीवन कहती है, आपने देखा नहीं, इसने जानबूझ के मेरे ऊपर सूप गिरा दिया। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। यहाँ पे गुस्से में वो बच्चा संजीवन को धक्का दे देता है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। अब वो यहाँ पे ड्रामा करने लगती है फिर कि मुझे पेट में बहुत पेन होने लगा है, कहीं मेरे बेबी को कुछ ना हो जाए। तभी मिस्टर लू आ जाते हैं और कहने लगते हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो संजीवन को उठा के ऊपर बिठा देते हैं चेयर पे और यहाँ पे गुस्से में पूछते हैं कि तुमने अपनी आंटी को धक्का क्यों दिया। उसे डांटने लगते हैं, लेकिन उसकी मॉम कहते हैं कि इसमें इस बच्ची की कोई गलती नहीं है, गलती से ये सब कुछ हो गया है। लेकिन मिस्टर लू कहते हैं कि दी, आपने अपने बेटे को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं सिखाए हैं। यहाँ पर वो बच्चा भी मिस्टर लू से बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर उसे और डांटते हैं मिस्टर लू, तो वो बच्चा गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। उनकी सिस्टर कहती है कि वो नादान है, बच्चा है, उसे माफ़ कर दो। मिस्टर लू कहते हैं, ठीक है वो तो बच्चा है, लेकिन आप तो बड़ी है ना, आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए संजीवन से। उसकी सिस्टर मना करने लगती है। बीच में कहने लगती है मिस्टर लू की मॉम, पहले तुम इसे लेकर जाओ और डॉक्टर को दिखाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बेबी को कुछ हो गया हो। मिस्टर लू भी अपनी मॉम से कह देते हैं, मॉम ये हमें जल्दी ग्रैंडसन देने वाली है, आपको नहीं लगता कि
आपको संजीवान का ध्यान रखना चाहिए। वो यहाँ पे उन्हें वार्न कर देते हैं कि आगे से संजीवान को कोई हर्ट ना करे, और फिर संजीवान को वहाँ से उठा के ले जाते हैं। ये बात मिस्टर लू की सिस्टर को अच्छी नहीं लगती है, तो वो अपनी मॉम से कहने लगती है, आप देख रही है क्या हो रहा है, अगर ऐसे ही होता रहा तो संजीवान इस घर को कंट्रोल कर लेगी। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें दिख रहा है ना वो हमें ग्रैंडसन देने वाली है, और तुम्हें भी अपने बेटे को थोड़े से मैनर्स दिखाने चाहिए, ऐसा वो यहाँ पे कह देती है उससे। लेकिन वी यहाँ पे खड़े होकर सोच रही होती है, अगर ऐसा होता रहा तो मिस्टर लू उसके हाथ से निकल जाएंगे, उसे कुछ करना होगा। मिस्टर लू संजीवान को रूम में ले आते तो वो वहाँ पे भी चिल्ला रही होती है। मिस्टर लू कहते हैं अब कोई नहीं देख रहा है, अब चिल्लाना बंद करो। यहाँ पे संजीवान कहने लगती है, आपने देखा कि आपकी पूरी फैमिली कैसे बिहेव करती है, इन्होंने मुझे हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया है। तो मिस्टर लू अपनी फैमिली की तरफ से उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। मिस्टर लू की मॉम ने वहाँ पे डॉक्टर को भिजवा दिया था, यहाँ पे वो डॉक्टर उसे चेक करने का बहाना करता है और फिर उसे पीने के लिए दवाइयाँ भी देता है। संजीवान को भी वो दवाइयाँ पीनी पड़ती है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर लू की सिस्टर का जो बेटा होता है वो जानबूझ के उनके लैपटॉप को गिरा देता है, जिससे कि वो टूट जाता है। इस बारे में मिस्टर लू को संजीवान कॉल करके बता देती है, जिसके बाद मिस्टर लू वहाँ पे आ जाते हैं और कुछ सर्वेंट से कहते हैं उस बच्चे को पकड़ने के लिए। वो बच्चा चिल्लाने लगता है तो वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है। यहाँ पे वो कहने लगती है मिस्टर लू से कि आप मेरे बेटे को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं ब्रदर। मिस्टर लू कहते हैं आप एक बार पूछिए तो सही इसने किया क्या है। मिस्टर लू की मॉम भी पूछने लगती है कि हुआ क्या है, पहले ये तो बताओ उस बच्चे को क्यों तुम हर्ट कर रहे हो। मिस्टर लू कह देते हैं कि इसने मेरा लैपटॉप जानबूझ के तोड़ दिया है, जिसमें कंपनी के कितने सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे। उसके सिस्टर कहती है एक लैपटॉप ही तो था और ले लेना। लेकिन मिस्टर लू कहते हैं यहाँ पे लैपटॉप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इसके मैनर्स की बात हो रही है। यहाँ पे वो बच्चा गुस्से में उन्हें बुरा भला कहने लगता है कि मुझे ये आंटी पसंद नहीं है। यहाँ पे उसकी मॉम उसे चुप कराने की कोशिश करती है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर लू अपने सिस्टर को डांटते हैं और कहते हैं शायद तुमने सिर्फ मेकअप पे और कपड़ों पे ही ध्यान दिया है, कभी भी अपने बच्चे की परवरिश पे ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे कहने लगती है मिस्टर लू की सिस्टर कि मेरा बेटा ऐसे कभी नहीं करता है, इससे किसी ने ये करने के लिए कहा होगा, वो उससे पूछने लगती है। वहाँ पे वी होती है तो उसका बेटा वी की तरफ इशारा करने लगता है कि मुझे ये करने के लिए आंटी ने कहा था। वी तो यहाँ पे फंस जाती है, लेकिन वी की जो सर्वेंट होती है पर्सनल, वो इस चीज़ का ब्लेम खुद पे ले लेती है। जिसके बाद यहाँ पे मिस्टर लू की मॉम उसे जॉब से निकाल देती है और वी इनोसेंट बनके कहने लगती है सभी से, मुझे नहीं पता था कि मेरी सर्वेंट ऐसा कुछ कर सकती है, मैं उसकी तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन फिर भी मिस्टर लू कह देते हैं अपनी सिस्टर से कि आपको पहले अपने बेटे को मैनर्स सिखाने चाहिए, क्योंकि इसमें बोलने का भी ढंग नहीं है। एक काम कीजिए, आप इसे लेकर अपने घर वापस चली जाए। उसके बाद संजीवान को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से मिलती है, तो उसका फ्रेंड कहने लगता है अगर तुम मिस्टर लू के साथ खुश नहीं हो तो उन्हें डिवोर्स देकर मेरे पास आ सकती हो। ये बात सुन के संजीवान कहती है तुम क्या कह रहे हो, मैं कभी ऐसा नहीं करने वाली हूँ। तो उसका फ्रेंड हंसने लगता है और कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो चोरी छुपे उनके फोटोज क्लिक कर लेती है। उसके बाद संजीवान कहती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। उसका फ्रेंड उसे अपनी वेडिंग का कार्ड देता है और कहता है कि तुम मेरी वेडिंग में जरूर आना। ये बात सुन के संजीवान खुश हो जाती है। दिखाया जाता है हमें उसी सर्वेंट को जिसे स्टार्टिंग में मिस्टर लू ने घर से बाहर निकाला था। वो यहाँ पे गुस्से में एक बड़े से कार को ड्राइव करने लगती है और कहती कि मैं तुम्हें मार डालूंगी संजीवान, तुम्हारी वजह से मुझे ऐसे गरीबों वाली लाइफ जीनी पड़ रही है। उस मैंसन को छोड़ के वो उसे हिट करने वाली होती है, लेकिन मिस्टर लू आकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन फिर भी उन दोनों को चोटें लग जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है इस एक्सीडेंट के दौरान फिर से मिस्टर लू और संजीवान की सोल एक्सचेंज हो जाती है। यहाँ पे जो मिस्टर लू होते हैं उनके अंदर संजीवान आ जाती है और संजीवान के अंदर मिस्टर लू। यहाँ पे वो उसे कह रहे होते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिससे तुम्हारे साथ ये किया है। तभी वहाँ पे आ जाता है असिस्टेंट और उन्हें बताने लगता है कि ये सब कुछ वी ने करवाया है उस सर्वेंट से कहकर। हम लोग उस सर्वेंट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो मिस्टर लू की बॉडी में संजीवान होती है उसे होश आ जाता है और वो भी ये सब कुछ सुन लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन वो उसे कहते हैं मुझे पता चल गया है कि मुझे वी मरवाने की कोशिश करी है, इसीलिए मैं उसके खिलाफ जाके कंप्लेंट करवा रही हूँ। लेकिन वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करो, मैं उसे भिजवा दूंगा नर्सिंग हाउस, वो घर में नहीं रहेगी, पर तुम उसे जेल मत भिजवाओ। यहाँ पे ये देखकर वो उस पर गुस्से में चिल्लाने लगते हैं कि तुम अभी भी उसे प्रोटेक्ट करने की बात क्यों कह रहे हो। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस्टर लू का जो सेकंड
ब्रदर था। वो प्यार करता था वी से, लेकिन एक उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो मरते समय उसने अपने ब्रदर से कहा था कि आप वी का और उसके होने वाले बच्चे का ध्यान रखना। लेकिन कुछ समय बाद वी कहती कि मेरे बच्चे का मिसकैरेज हो गया है, अब तो आपका ब्रदर भी नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा मरने का मन कर रहा है। तो मिस्टर लू उसे कह देते कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम अपनी जान मत दो। यहाँ पे वो अपने इसी प्रॉमिस से बंधे हुए रहते हैं और अपनी वाइफ को कुछ नहीं बता पाते हैं, बस उसे कंप्लेन करने से रोकने लगते हैं, जिससे कि वो उनसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगती है। उसके बाद देखते हैं जब वो घर आती है तो मिस्टर लू की मॉम उसे संजीवान समझती है और डिवोर्स देने के लिए कहने लगती है। कहती है कि तुम तो हमारे ग्रैंड सन को सेफ नहीं रख पाई हो, इसीलिए अब तुम्हें मेरे बेटे को डिवोर्स देना होगा। यहाँ पे वो डिवोर्स देने से मना करती है तो मिस्टर लू की मॉम उसे 1 मिलियन का चेक देती है और कहती है ये पैसे लो और डिवोर्स दे दो। उस चेक को देखने के बाद मिस्टर लू जो संजीवान की बॉडी में होते हैं सोचने लगते हैं, मैं साल कम से कम 300-400 मिलियन कमाता और फिर भी मेरी मॉम मेरी वाइफ को डिवोर्स के लिए सिर्फ 1 मिलियन दे रही है। यहाँ पे वो उस चेक को फाड़ देते हैं और डिवोर्स से मना करते हैं तो मिस्टर लू की मॉम गुस्से में उन पे हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन पीछे से मिस्टर लू आ जाते हैं जिनके अंदर संजीवान की बॉडी होती है, तो वो अपनी मॉम को ऐसा करने से रोकने लगते हैं। उसकी मॉम गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें इसे डिवोर्स देना होगा। यहाँ पे जो संजीवान होती है उसके अंदर मिस्टर लू की बॉडी होती है, तो वो तो मना करने लगते हैं कि मैं कभी भी इन्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, लेकिन मिस्टर लू की बॉडी के अंदर जो संजीवान होती है वो तो उनसे नफरत कर रही होती है, इसलिए वो कह देती है मॉम मैं इसे कुछ समय बाद डिवोर्स दे दूंगा, बट फिलहाल आप शांत रहे। ये बात सुन के वो उन्हें गुस्से में देखने लगती है, तभी पीछे से वी आ जाती है और कहने लगती है आंटी से देखिए ये न्यूज़ वायरल हो गई है कि ये दोनों जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं और इससे हमारी कंपनी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो मिस्टर लू की मॉम तो और ज़्यादा उन दोनों पर भी गुस्सा करने लगती है। उसके बाद कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर लू का जो लिटिल ब्रदर होता है वो सारे शेयर होल्डर्स को भड़का देता है और कहता है मेरे ब्रदर की वजह से कंपनी को हो रहा है, तो आपको शायद उसे पोजीशन से हटा देना चाहिए। सभी लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग मिस्टर लू से सवाल करते हैं कि कंपनी को बर्बाद होने से आप कैसे बचाएंगे, अच्छा होगा कि आप अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दें। अब यहाँ पे मिस्टर लू की बॉडी में तो संजीवान होती है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती है, क्या कहे उसे समझ में नहीं आता है, बट संजीवान की बॉडी में जो मिस्टर लू होते हैं वो सभी के सवालों के जवाब देते हैं और कहते हैं ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम लोग हमें ऐसा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मिस्टर लू का लिटिल ब्रदर उसे सिस्टर इन लॉ समझ के चुप रहने को कहता है और कहता है कि हम ब्रदर से सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर वो सारी फाइल्स वगैरह मिस्टर लू के सामने कर देता है और कहता है ये नए प्रोजेक्ट्स है, आप बताइए कौन से प्रोजेक्ट को चूज़ किया जाए, आपको सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे अब उनके अंदर तो संजीवान होती है, इसलिए वो सारी फाइल्स को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ब्रदर रोक देता है और कहता है आप अपनी वाइफ के साथ है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कंपनी के सीक्रेट्स इसे पता चल जाए, इसीलिए आपको यहीं पर सिग्नेचर करने होंगे। वो यहाँ पर कहते हैं कि अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं कुछ समय में आकर करता हूँ। अब वहाँ से अपने कैबिन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो जाने के बाद कहने लगते हैं अब मैं क्या करूँ, मेरे अंदर तो तुम्हारी सोल है, अब मैं कैसे ये काम हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ पे दोनों ही परेशान होने लगते हैं, वो यहाँ पे अपने नेल से अपने सर में थोड़ी सी चोट मार लेते हैं। ये देखकर यहाँ पे संजीवान की बॉडी में जो मिस्टर लू होते हैं वो भी उसकी फिंगर को कट कर देते हैं, ये कहकर कि तुम मेरी बॉडी को सेफ नहीं रख रहे हो, देखो तुमने मेरे सर में चोट मारी है। यहाँ पे कहने लगती है वो कि अरे ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है। उसके फोरहेड को वो चेक करने लगते हैं, जैसे ही उसे टच करते हैं यहाँ पे फिर से मैजिक होता है और दोनों की सोल फिर से एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि दोनों यहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं। मिस्टर लू अपनी खुद की बॉडी में वापस आ जाते हैं और संजीवान भी, और उसके बाद वो कैबिन में आते हैं सभी के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए, और यहाँ पे फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह पे साइन वगैरह कर देते हैं। ये देखकर उनका जो ब्रदर होता है वो शॉक होने लगता है कि ये इतने नॉर्मल तरीके से अब फिर से काम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले उसने देखा था कि उसके ब्रदर बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं और सारा काम करने के लिए असिस्टेंट से कह रहे होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, तो वो उससे कह देते हैं जब से मैं पोल में गिरा हूँ ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। तो यहाँ पे उनका ब्रदर उनकी इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का सोच रहा था, लेकिन अब तो उसके सामने उसका ही दाव उल्टा पड़ जाता है। उसके बाद मिस्टर लू पूरे अपने अच्छे एटीट्यूड में आ जाते हैं और सभी को वार्न करने लगते हैं कि कोई भी मुझे मेरे पर्सनल मैटर्स को लेकर बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं करेगा, अगर कंपनी छोड़ के जाने तो जा सकता है। साथ में वो कंपनी में होने वाले कुछ फ्रॉड्स के बारे में भी उन्हें बताने लगते हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम उनके लिटिल ब्रदर का ही होता है और वो उसे इसीलिए कंपनी से फायर करने की बात कहते हैं। वो यहाँ पे पहले तो मना करता है कि आप मुझे फंसा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यहाँ पे उन्हें वो प्रूफ भी दिखा देते हैं और कहते हैं कि अब तुम झूठ मत बोलो। तो उनका ब्रदर माफ़ी वगैरह मांगने लगता है, तभी वहाँ पे पहुँच जाती है मिस्टर लू की मॉम और कहती है तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो, खुद के ब्रदर को क्यों बाहर निकाल रहे हो।
यहाँ पे वो भी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट मिस्टर लू प्रूफ दिखा देते हैं और कहते हैं मॉम ये कंपनी का काम है, आप बीच में दखल ना दे। फिर उसकी मम्मी पीछे हट जाती है और कहती है जिसने गलत किया है उसे तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, और वो भी उन दोनों को पनिश करने लगती है। लेकिन यहाँ पे उसके छोटे भाई की जो वाइफ होती है वो गुस्से में संजीवान पे हाथ उठाने की कोशिश करती है, कहती कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकिन मिस्टर लू रोक देते हैं और कहते हैं अभी तो सिर्फ कंपनी से निकाला है, अगर ऐसी ही हरकतें रही तो फिर घर से भी निकलवा दूंगा। यहाँ पे वो उन दोनों को वॉर्न कर देते हैं कि मेरी वाइफ से दूर रहो। तुरंत ही यहाँ पे संजीवान बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले आते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स कहने लगते हैं ये थोड़ी वीक है, इन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। संजीवान कहते हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, बट मिस्टर लू कहते हैं अब तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। वैसे भी एक हफ्ते बाद तुम्हारे डैड और ब्रदर जेल से रिहा होने वाले हैं, फिर हम उन्हें साथ में रिसीव करने चलेंगे। संजीवान गुस्से में कहते हैं कि आपको उनसे दूर रहना चाहिए, आपकी वजह से ही वो जेल गए थे। यहाँ पे मिस्टर लू कहते हैं कि अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं गलत हूँ या फिर नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैं उनके सामने ना आऊं तो नहीं आऊंगा, पर तुम यहीं पे रह के रेस्ट करो। उनके जाने के बाद संजीवान हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर गार्ड होते हैं जो कि नहीं जाने देते हैं, इसलिए वो वापस रूम में आ जाती है। कुछ समय बाद वो फिर से कुछ पैसे लेके जाती है और गार्ड्स को देने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे सिर्फ एक घंटे के लिए जाने दो, लेकिन गार्ड्स उसके बहकावे में नहीं आते हैं और उसे नहीं जाने देते हैं। संजीवान फिर से रूम में पहुंच जाती है और सोचती है कि यहाँ से कैसे निकलूं। तभी वहाँ पे वी आ जाती है और कहने लगती है बहुत आराम से यहाँ पे मजे कर रही हो क्या, अब तुम वैसे भी सारी ज़िंदगी हॉस्पिटल में ही रहने वाली हो। संजीवान उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो। वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मिस्टर लू तुम्हें जल्दी डिवोर्स दे देंगे और मुझसे मैरिज करेंगे, क्योंकि मेरा बेबी है ना। संजीवान उसे कहते हैं कि तुम्हारा कहाँ बेबी है, तुम तो झूठ कह रही हो। कहने लगती है यहाँ पे भी हाँ तुमने सही कहा, मैं झूठ कह रही हूँ, जो मेरा बेबी मुझे छोड़ के जा चुका है उसी का मैं फ़ायदा उठाती हूँ मिस्टर लू को अपने पास रखने के लिए, और वो देखना मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ पे ये बात सुन के उसे एक जोरदार चाटा मार देती है संजीवान और कहती है तुम्हारे इस झूठ में मैं नहीं फंसने वाली हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। वो यहाँ पे उसकी अच्छी खासी धूल पूजा उतार देती है, यानी कि उसे डरा धमका देती है और वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है। संजीवान बाहर आके गार्ड से कहते हैं कि ऐसे फालतू लोगों को फिर से अंदर मत आने देना, वरना तुम्हारे बॉस से मैं शिकायत कर दूंगी। वो फिर से रूम में आके बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पे मिस्टर लू की मम्मा जाती है और कहती है मैं तुम्हें इस बार 10 मिलियन देती हूँ, मेरे बेटे को डिवोर्स दे दो। तो यहाँ पे संजीवान कहने लगती है अजीब है ना, आप मुझे कितने कम पैसे दे रही है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि आपको मुझे कितने पैसे देने होंगे। वो यहाँ पे हिसाब किताब लगाने लगती है, कहती कि 4 साल से आपकी फैमिली में नौकरों की तरह रह रही हूँ, अच्छा खाना नहीं मिलता है, सभी लोग तंग करते हैं, और आपका जो बेटा है वो भी मुझे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है। मतलब जो भी उसके 4 साल में परेशानियाँ उसने झेली होती है सभी को हिसाब किताब लगा के कहने लगती है कम से कम आपको मुझे 200 मिलियन तो देने होंगे। लेकिन ये बात से मना कर देती है मिस्टर लू की मॉम और कहती है मैं इतने पैसे तुम्हें कहाँ से ला के देने लगी। संजीवान कहती है कहाँ से लाएंगी, अपने बेटे से ला के दो, और वैसे तो वो मेरा हस्बैंड है, डिवोर्स लेती हूँ तो उससे आधी प्रॉपर्टी तो मुझे लेनी ही होगी। ये बात सुन के उसे एक चाटा मार देती है मिस्टर लू की मॉम। संजीवान कहती है फिलहाल आप मेरी मदर इन लॉ लगती हो, इसीलिए ये सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, अगर एक बार मैंने आपके बेटे को डिवोर्स दे दिया ना और उसके बाद अगर आपने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे वो गुस्से में उस पर और चिल्लाने लगती है मिस्टर लू की मॉम। तभी यहाँ पे मिस्टर लू आ जाते हैं और अपनी मॉम को रोकते हैं और कहते हैं प्लीज़ आप यहाँ से जाए, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे मिस्टर लू संजीवान से कहने लगते हैं क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। संजीवान एक जोरदार चाटा उन्हें मारती है और फिर कहती है क्या आपको हर्ट हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आप मुझे पूछेंगे और मैं आपसे कहूँगी कि नहीं मुझे हर्ट नहीं हो रहा है। संजीवान से वो माफ़ी मांगने लगते हैं अपनी मॉम के बिहेव के लिए और कहते हैं अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने कितना कुछ सहा है मेरी फैमिली में रहकर। संजीवान यहाँ पे रोते हुए कहने लगते हैं कि आपको ये सब कुछ अब महसूस हो रहा है क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी सिर्फ कुछ दिन मेरे जैसे बनके जी है, पर आपको क्या पता कि 4 साल मैंने आपके घर में कैसे काटे हैं। मिस्टर लू उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे टाइटली हग करने लगते हैं। उसके बाद देखते हैं संजीवान के पेरेंट्स जेल से बाहर आ जाते हैं तो वो अपने ब्रदर और फादर से मिलती है। वो लोग उसकी कंडीशन देखकर कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गई हो। पर संजीवान कहते हैं नहीं डैड मैं ठीक हूँ, मिस्टर लू मेरा काफ़ी ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने पैसे जोड़ के एक नया घर खरीदा है, चलो हम लोग वहाँ पर जाके रहते हैं। वो उन्हें उस फ्लैट में लाने लगती है लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उन्हें तंग करने लगते हैं, कहते हैं कि इन लोगों ने फ्रॉड किया है, हमारे पैसे लिए हैं, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। संजीवान आके उन्हें यहाँ पे रोकने लगती है तो वो लोग नहीं रुकते हैं तो मिस्टर लू आ जाते हैं और सभी को वहाँ से भी भगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे मिस्टर लू से संजीवान कहती है ये सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता है, किसी का हाथ है इसके पीछे,
जहाँ पर उन्हें एक फोटो में वी नजर आ जाती है, जिसके बाद संजीवान कहती है, अब मुझे समझ में आ गया है ये सब कुछ किसने करवाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर लू रोकने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं रुकती है। वो घर पहुंच जाती है और वी पे गुस्सा करने लगती है। वी कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यहाँ पे वो फुटेज भी दिखाने लगती है तो वी कहती है इसमें मेरा फेस नहीं आ रहा है, ये कोई और पर्सन भी तो हो सकता है। वी को सपोर्ट कर रही होती है यहाँ पे मिस्टर लू की मॉम और कहती है कि तुम इस पे झूठे इल्जाम क्यों लगा रही हो। वहाँ पे मिस्टर लू आ जाते हैं और संजीवान से कहते हैं इतना प्रूफ काफ़ी नहीं है, तुम कुछ मत कहो। वहाँ पे एक मेड आ जाती है और एक फोटो को गिरा देती है, जिसे उठा लेती है। वी कहने लगती है ये क्या, संजीवान तुम्हारा तो अफेयर तुम्हारे फ्रेंड के साथ चल रहा है। इस फोटो को वो मिस्टर लू की मॉम को दिखाती है तो वो तो गुस्सा करने लगती है संजीवान पे कुछ ज़्यादा ही। कहती है कि मेरे बेटे को डिवोर्स नहीं दिया है और किसी और से अफेयर करी हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बेबी भी किसी और का ही था, इसीलिए तुमने एक्सीडेंट करवा के उसका मिसकैरेज करवा दिया, मतलब उसके बारे में वो गलत बातें कहने लगती है। संजीवान कहती है कि ये फोटो गलत है, असल में मैं उस दिन अपने फ्रेंड से मिलने गई थी बट उसने मुझे अपनी वेडिंग का इनविटेशन दिया था। यहाँ पे वो सभी को वेडिंग का इनविटेशन दिखा देती है, जिसके बाद मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ पे भरोसा है। संजीवान भी यहाँ पे कहने लगती है वी से, अगली बार अगर किसी फोटोग्राफर को हायर करो ना तो उससे कहना मेरा इस तरफ से फ़ोटो ले, क्योंकि इस तरफ से मेरा फ़ोटो अच्छा आता है। यहाँ पे वो उसे कुछ बातें सुना देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे देखते हैं संजीवान को, जो कि पहुंच जाते हैं मिस्टर लू से मिलने के लिए उनके ऑफिस में और कहते हैं इस पेन ड्राइव में वी के खिलाफ काफ़ी सारे प्रूफ है, मैं चाहूं तो उसे जेल भिजवा सकती हूं, मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपनी कंपनी के 15% शेयर्स दे। मिस्टर लू से पेन ड्राइव ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें शेयर्स दे दूंगा लेकिन तुम उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करोगी। संजीवान को ये सुन के गुस्सा आता है और वो कहती है लगता है आप उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं इसीलिए उसे इतना बचाते रहते हैं, एक काम कीजिए आप मुझे डिवोर्स दे दें और फिर उससे मैरिज कर ले। बट मिस्टर लू कह देते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, ये बात अच्छे से याद रखो, जितने चाहे उतने शेयर्स कंपनी के दे सकता हूँ, पैसे भी दे सकता हूँ पर डिवोर्स कभी नहीं दूंगा। संजीवान गुस्से में कहती है मैं आपको बता दूँ अगर आपने मुझे बीच में डबल क्रॉस करने की कोशिश की ना तो मेरे पास इसके प्रूफ के कुछ बैकअप भी है, वो मैं पुलिस को दे दूंगी। उसके बाद देखते हैं मिस्टर लू को, जो कि संजीवान के रूम में उन प्रूफ्स को ही ढूंढ रहे होते हैं। संजीवान आ जाती है और कहती है आप क्या कर रहे हैं। मिस्टर लू कहते हैं कुछ नहीं बस उन प्रूफ्स को ढूंढ रहा हूँ, अब मैंने पेपर्स तैयार करवा दिए हैं, मैं तुम्हें 50% शेयर्स अपनी कंपनी के दे दूंगा। संजीवान कहती है अजीब है ना, उस धोखेबाज लड़की के लिए आप अपनी कंपनी के शेयर्स मुझे देने को तैयार है और यहाँ पे उन प्रूफ को ढूंढने आए ताकि मैं उसे जेल ना पहुँचा दूँ, मुझे आपसे नफरत हो रही है। मिस्टर लू कहते हैं ऐसा ना कहो, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बट संजीवान उनकी एक नहीं सुनती है और गुस्से में उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देती है। मिस्टर लू की मॉम ने ये सब कुछ सुन लिया होता है और वो समझ जाती है कि इन दोनों का जल्दी डिवोर्स जरूर होगा, इसलिए वो फिर कुछ नई फैमिलीज की डॉटर्स को ढूंढने लगती है ताकि उनसे मिस्टर लू की मैरिज करवा दे। साथ में वो एक सर्वेंट से कहती है कि तुम वी का दूसरे घर में रहने का इंतजाम करवा दो, क्योंकि अगर मिस्टर लू की दूसरी मैरिज होगी तो फिर वी को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। वी ये सब कुछ सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। यहाँ पे वो मिस्टर लू से भी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए नई नई लड़की को चूज़ किया है, बट मिस्टर लू कह देते हैं मॉम मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ इसलिए मैं किसी से नहीं मिलूंगा। यहाँ पे इस बारे में पता चल जाता है संजीवान को कि मिस्टर लू के लिए ब्लाइंड डेट ढूंढी जा रही है तो वो भी उन पे गुस्सा करती है। बट मिस्टर लू कहते हैं मैंने मॉम से ऐसा करने के लिए नहीं कहा है, बट संजीवान उनकी एक भी बात नहीं सुनती है। देखते हैं घर पे कुछ लड़कियां आती हैं मिस्टर लू से मिलने के लिए, वो जब संजीवान को देखती है तो उसे टॉन्ट मारने लगती है और कहती है मिस्टर लू तुम्हें जल्दी डिवोर्स दे देंगे, तुम तो उनके लायक हो ही नहीं। यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि उसे उसकी फैमिली का बैंगल दिखाने लगती है और कहती है मैं तो पागल थी जो तुम्हारे ब्रदर से मैंने प्यार किया, अब मैं सोच रही थी उससे मैरिज करूँ, अच्छा हुआ मैंने उसे बीच में ही छोड़ दिया। यहाँ पे कहती है संजीवान ये मेरी फैमिली का बैंगल है इसे रिटर्न कर दो। यहाँ पे इन दोनों के बीच में उस चीज़ को लेकर झगड़ा होने लगता है, तभी मिस्टर लू आ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं, कहते हैं कि मेरी वाइफ को ऐसी ट्रीट मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। मिस्टर लू की मॉम वहाँ पे वी के साथ आने लगती है उन लड़कियों से मिलने के लिए, तभी वो लड़की उनकी तरफ आगे बढ़ती है लेकिन वी अपना पैर बीच में लगा देती है, जिस वजह से उस लड़की का बैलेंस बिगड़ता है और वो गलती से मिस्टर लू की मॉम को धक्का दे देती है, वो नीचे गिर के यहाँ पे बेहोश हो जाती है। यहाँ पे चिल्लाने लगती है वी ये तुमने क्या किया, तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाते हैं और अपनी मॉम को देखने लगते हैं और उसे तुरंत रूम में ले आते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी मॉम को गिरने के कारण सिर में चोट लगी है और ये पैरालाइज हो गई है, कब तक ठीक होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वे यहाँ पे रोने धोने का ड्रामा करती है और कहती है कि मैं आंटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मैं इनका ध्यान रखूंगी। जिसके बाद देखते हैं वो यहाँ पे उनके ध्यान रखने का दिखावा करती है, असल में तो वो अपना पूरा गुस्सा उन पर निकालती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोटें मार देती है, कहती है कि इतने साल तक मैंने बुढ़िया तेरा इतना ध्यान रखा लेकिन फिर भी तू मिस्टर लू के लिए किसी और को ढूंढ रही है। यहाँ पे गंदे कपड़े से उनका मुँह वगैरह साफ करती है, पूरी
तरीके से उन्हें तंग कर देती है। लेकिन जब आप मिस्टर लू उसे देखने के लिए आते हैं तो कहने लगती है, मैं आपकी मम का काफ़ी ध्यान रख रही हूँ। एक सर्वेंट कहती है कि कब से भी मैडम यहीं पर बैठी है, इन्हें छोड़ के नहीं गई है। मिस्टर लू उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं लेकिन वो मना कर देती है, कहती कि मैं आंटी के पास ही रहूँगी। मिस्टर लू का ध्यान अपनी मम के हाथ पर जाता है और वो कहने लगते हैं कि इन्हें चोट कैसे लगी। भी यहाँ पे मिस्टर लू से झूठ कह देती है कि संजीवान कुछ समय पहले इनसे मिलने आई थी, शायद इसने ही ये सब कुछ किया होगा। संजीवान कहती है मैं तो इनसे मिलने आई ही नहीं हूँ। लेकिन वहाँ पे एक सर्वेंट आकर झूठ कहने लगती है कि आपने ही ये किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। यहाँ पे मिस्टर लू को वो ये सारी झूठी बातें कहने लगते हैं। लेकिन तभी मिस्टर लू की मॉम कुछ कहने की कोशिश करती है और वो यहाँ पे इशारा कर देती है वी की तरफ कि ये सब कुछ वी ने किया है। जिसके बाद मिस्टर लू को वी पे गुस्सा आने लगता है, वो माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर लू कह देते हैं कि अब तुम्हें नर्सिंग होम पहुँचाया ही जाएगा। यहाँ पे भी बार बार माफ़ी मांग रही होती है। संजीवान कहने लगती है मैं आपसे डिवोर्स चाहती हूँ, इसलिए कल डिवोर्स लेने आ जाना। उसके बाद देखते हैं संजीवान वहाँ पे वेट कर रही होती है। मिस्टर लू तो कहते भी है कि ऐसा मत करो, बट संजीवान उनकी बात नहीं मानती है और उनसे ज़बरदस्ती डिवोर्स ले लेती है। मिस्टर लू उससे कहते हैं कि कल मेरी वेडिंग होने वाली है वी के साथ, तो तुम आ जाना। वो उसे अपनी वेडिंग का इन्विटेशन देते हैं। ये देखकर तो संजीवान को और गुस्सा आता है और वो उससे कहती है वो इतने सारे गलत काम कर चुकी है, लेकिन फिर भी आप उससे मैरिज करने वाले हैं, शायद आप उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वी ने मिस्टर लू को ब्लैकमेल किया होता है ये कहकर कि मेरे पास संजीवान के कुछ ऐसे फोटोज़ हैं, अगर मैंने वो अपलोड कर दिए तो वो फिर अपनी जान दे देगी। यहाँ पे मिस्टर लू थोड़े मजबूर हो जाते हैं, इसलिए वो उससे मैरिज करने के लिए हाँ कह देते हैं। उसके बाद उन दोनों की मैरिज होते हुए दिखाई जाती है, जहाँ पे वी खुश हो रही होती है। लेकिन कह देता है लू मैं मजबूरी में तुमसे मैरिज कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अपनी वाइफ नहीं मानूंगा। कहने लगती है उनसे भी ऐसा ना कहे, अब हमारी मैरिज होने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाती है जो कि शोर मचाने लगती है, देखो आज मेरी बेटी मिस्टर लू से मैरिज करने वाली है, अब वो रिच लेडी बन जाएगी। वो यहाँ पे वी को अपनी बेटी कह रही होती है। लेकिन सभी लोग ये बात सुन के हैरान होते हैं। वी कहते कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। तो यहाँ पे वो सर्वेंट गुस्से में उसे एक चाटा मार देती है और पागलों की तरह हरकत करने लगती है और कहती है तुम अपनी मॉम को पहचाने से मना कैसे कर सकती हो, मैंने आज तक तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तुमने तो मिस्टर लू के छोटे भाई को अपने प्यार के जाल में फंसाया था ताकि तुम उनसे मैरिज कर सको, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया जिसके बाद तुमने एक बच्ची को मिसकैरेज भी करवा दिया ताकि मिस्टर लू की सिंपथी पा सको। यहाँ पे वो सारी पोल खोल देती है, जिसके बाद मिस्टर लू वी को गुस्से में देखने लगते हैं, बट वी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ये झूठ कह रही है। मिस्टर लू गुस्से में कहते हैं वी से झूठ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सच पता चल चुका है। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मिस्टर लू का ब्रदर एक्सीडेंट के दौरान हॉस्पिटल में होता है, तो वहाँ पे वी ने उसका जानबूझ के ऑक्सीजन वाला पाइपलाइन बंद कर दिया होता है ताकि वो मारा जाए। वी यहाँ पे कहती है इसका मतलब ये है कि तुम्हें सच्चाई पहले ही पता चल गई थी। मिस्टर लू कहते हैं हाँ, बस मैंने तो ये वेडिंग करने का ड्रामा किया था ताकि सबके सामने तुम्हारी सच्चाई ला सकूं। मिस्टर लू यहाँ पे संजीवान से आके कहने लगते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बट कह नहीं पाया, मैंने ये दिखावा किया था ताकि मैं इसकी सच्चाई सबके सामने ला सकूं। तभी वहाँ पे वी आ जाती है और गुस्से में कहने लगती है कि आपने मेरा पागल बनाया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं हो सकते हैं। वो यहाँ पे संजीवान को मारने की कोशिश करने लगती है बट मिस्टर लू उसे रोकते हैं, इसी चक्कर में मिस्टर लू घायल हो जाते हैं। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि अपने साथ ले जाते हैं वी को। उसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे संजीवान होती है, मिस्टर लू को होश आता है तो वो उसे अपने पास रुकने के लिए कहते हैं और फिर से नई शुरुआत के लिए कहते हैं। लेकिन संजीवान मना कर देती है, कहती है कि अब मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है क्योंकि हमारा डिवोर्स हो चुका है। वो उन्हें वहाँ पे अकेला छोड़ के चली जाती है। मिस्टर लू उसके पीछे आते भी है लेकिन संजीवान नहीं रुकती है और अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद देखते हैं पूरे एक महीने बीत जाता है। मिस्टर लू हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज हो जाते हैं लेकिन ऑफिस में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है काम पे। इस चीज़ को उनका असिस्टेंट नोटिस करता है और कहने लगता है बॉस आपको अपनी वाइफ को चेज करना चाहिए, इस बुक में कुछ सीक्रेट लिखे हुए हैं कि कैसे वाइफ को चेज कर सकते हैं। बट मिस्टर लू उस बुक को उसके सामने डस्टबिन में फेंक देते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन बाद में उठाकर उस बुक को रीड करने लगते हैं। असिस्टेंट आ जाता है और कहता है मुझे पता था कि आपको इस बुक की ज़रूरत होगी, आप शर्माते क्यों हैं, आप अपनी वाइफ को ही तो चेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मिस्टर लू उससे रिंग मांगने लगते हैं जो कि उन्होंने खरीद के रखी होती है संजीवान के लिए, और वो फिर कहते हैं कि फिलहाल संजीवन क्या कर रही है मुझे ये बताओ। मिस्टर लू का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि उन्होंने अपना एक नया रेस्टोरेंट खोला है, वो वहाँ पे अकेले काम करती है लेकिन कभी कभी उनका फ्रेंड उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद मिस्टर लू कहते हैं ठीक कहा, मैं अपनी वाइफ को चेज करूंगा, फिर से उसे मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। इसीलिए वो उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और उसकी मदद वगैरह करने लगते हैं काम में। लेकिन उनसे कह देती है संजीवन की मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज आप यहाँ से चले जाए। मिस्टर लू कहते कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो उसे कुछ पैसे ऑफर करने लगते हैं लेकिन उस चेक को फाड़ देती है संजीवन और उन्हें गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर लू चले जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं एक कस्टमर बैठा रहता है जो कि जाने को तैयार नहीं होता है। संजीवान उसे जाने के लिए कहते हैं तो वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, बट मिस्टर लू आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं।
वो उसे कहने लगते हैं कि अब तुम यहाँ पे नहीं रहोगी, मेरे साथ घर चलो। लेकिन वो जाने को तैयार नहीं होते, तो वो उसे जबरदस्ती उठा के ले जाने लगते हैं। बीच उन्हें एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है और कहता है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? संजीवन कहते हैं कि ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, बट मिस्टर लू कहते हैं ये मेरी वाइफ है। संजीवन कहते हैं कि मैं इनकी एक्स वाइफ हूँ और ये मुझे फोर्स करे घर चलने के लिए, मुझे नहीं जाना है। तो पुलिस ऑफिसर उन्हें थाने में ले आता है और उनसे बैठ के बात करता है, जहाँ पे वो लोग डिटेल में सब कुछ उन्हें बता देते हैं। संजीवन कहते हैं कि डिवोर्स हो चुका है, अब मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो पुलिस ऑफिसर उसे वहाँ भेज देता है और उसके बाद कहता है मिस्टर लू से, अरे अगर तुम्हें अपने वाइफ को चेस करना है तो अच्छे से चेस करो, ऐसे बीच रास्ते में उसे तंग मत करो वरना तुम्हें जेल हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं संजीवन को, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ अपने ही होटल में कुछ समय बिताती है। दोनों अच्छे से एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो गुड नाइट कहकर उसे हग करता है और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर लू ने ये सब कुछ देखा होता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो संजीवन के फ्रेंड को रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम मेरी वाइफ से दूर रहो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे संजीवन का फ्रेंड कह देता है, अब तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो तुम मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते हो। तभी उसके पास उसके फादर का कॉल आ जाता है और वो उसे डांटते हैं और जल्दी घर आने के लिए कहते हैं। मिस्टर लू यहाँ पे उससे कहने लगते हैं, अभी तो सिर्फ तुम्हारे फादर ने डांटा है, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो और भी कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ। उसके बाद देखते हैं संजीवन का फ्रेंड 2 हफ्ते बाद फिर से संजीवन से मिलने आता है और इस बार अपने फेस को कवर करके रखता है। यहाँ पे संजीवन पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। वो यहाँ पे अपने फेस दिखा देता है और कहता है, मेरे डैड ने मुझे मारा क्योंकि मैं तुमसे मिलने आता हूँ और ये सब कुछ मिस्टर लू ने कहा है उनसे। ये सुनने के बाद संजीवन को गुस्सा आ जाता है। अब वो पहुँच जाती है मिस्टर लू के पास उनसे मिलने के लिए। मिस्टर लू तो उसे घर में देखकर खुश होते हैं, लेकिन वो उन पर गुस्सा करती है, कहती कि आप मेरे फ्रेंड्स को हर्ट ना करें वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे मिस्टर लू उसे रोकने लगते हैं, पर संजीवन रुकने से मना कर देती है। मिस्टर लू संजीवन के पीछे आते हैं और उसे पीछे से हग कर लेते हैं और जाने से मना करते हैं। कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर शायद कभी कह नहीं पाया, इसीलिए हम दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई हैं, मुझे एक चांस दे दो। संजीवन कहते हैं कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मैं अपनी लाइफ को फिर से उस हेल जैसी लाइफ नहीं बनाना चाहती हूँ। यहाँ पे वो ऐसे कहते हुए एकदम बेहोश हो जाती है। मिस्टर लू घबराने लगते हैं, लेकिन तभी संजीवन का फ्रेंड आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। मिस्टर लू उसे रोकते हैं ये कहकर कि ये मेरी वाइफ है, छोड़ दो। संजीवन का फ्रेंड कहता है, तुम भूल गए हो तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, तुम इसे ऑलरेडी बहुत हर्ट कर चुके हैं और ज़्यादा हर्ट मत करो। ऐसा कहकर वो उसे वहाँ से ले जाता है। मिस्टर लू कहते रहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी गिव अप नहीं करूंगा। उसके बाद देखते हैं मिस्टर लू हर जगह पहुँच जाते हैं संजीवन के पास। एक दिन संजीवन की कार खराब हो जाती है तो मिस्टर लू कहते हैं, चलो मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी, बट वो उनसे इरीटेट होने लगती है और कहते कि आप ही ये सब कुछ करवा रहे हैं ना। मिस्टर लू कहता है, बस मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। वो यहाँ पे उससे बार बार एक चांस मांग रहे होते हैं। संजीवन यहाँ पे गुस्से में अपने फ्रेंड को मैसेज करती है कि मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाओ। उसका फ्रेंड भी उसे हाँ में जवाब दे देता है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर लू को ऑफिस में, जहाँ पे असिस्टेंट आता है और उन्हें एक लेटर देता है, कहता है कि आपकी वाइफ ने भिजवाया है, जिसमें संजीवन ने लिखा होता है कि मैं अब तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ, इसलिए मुझे भूल जाओ। ये लेटर पढ़ने के बाद मिस्टर लू घबरा जाते हैं, उसे कॉल करते हैं वो फोन नहीं उठाती है, मैसेज करते हैं वो रिप्लाई नहीं करती है। मिस्टर लू ये देखकर घबरा जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे मीडिया के लोग आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं और कहते हैं कि सच में आपकी वाइफ ने आपको डिवोर्स दे दिया है, हमने सुना है कि आपने उनके नाम से एक नए ब्रांड को लॉन्च किया है, क्या सच में आपकी वाइफ नहीं आने वाली है? असिस्टेंट कहता है कि ये सारी बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर लू भी कहने लगते हैं कि मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, चाहे वो मुझसे थोड़ी दूर रहे। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है संजीवन आ जाती है। मिस्टर लू जैसे ही उसे देखते हैं तो उसकी तरफ आने लगते हैं। असल में संजीवन भी उनसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उनसे दूर नहीं जा पाई। वो वहाँ पे उनके पास वापस आ जाती है और उन्हें हग करती है, लेकिन हग करने के बाद वो तुरंत ही अजीब सा महसूस करते हैं और एकदम से चिल्लाते हैं, ये क्या हुआ, क्या फिर से हमारी सोल एक्सचेंज हो गई है? और दोस्तों इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर ड्रामा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में कमेंट करें। मिलते हैं एक और नए ड्रामे के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।